और भी नई रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज़ किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज़ तुरंत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिज़ाइनर नमकीन, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको मैंने 5 डिज़ाइन दिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 किलो मैदा, इसमें मिलाएंगे 150 ग्राम सूजी, 1 चम्मच अजवाइन, नमक अपने टेस्ट के अनुसार। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और तकरीबन इसमें 150 ग्राम डालेंगे हम रिफाइंड और हाथों से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको चेक करेंगे, अगर इसकी मुट्ठी बन रही है तो ठीक है, मोयन मुट्ठी हमारी बन गई है, इसलिए इसमें मोयन ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम ताजी पानी डालते हुए इसका एक डो बना लेंगे। दोनों हाथों से इसको गूंथेंगे, दोनों डो को मैंने अच्छे से खूब तोड़ तोड़ के मल लिया है। दोनों डो हमारे एक सार हो चुके हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे और इसको रेस्ट करने देंगे। मैदा हमारी अच्छे से रेस्ट कर चुकी है, अब इसकी हम लोइयां तोड़नी शुरू करेंगे। छोटी छोटी गोलियां बनानी है, जितनी आपको लोई चाहिए उस हिसाब से आप छोटी या बड़ी कर सकते हैं इसको। तो मैंने इतनी छोटी लोई ली है यहाँ पे। अब लोइयों को चिकना कर लेंगे एकदम इस तरीके से। अब लिए 1 चम्मच सूखी मैदा, इसमें डालेंगे पानी और एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे इसका, ये चिपकाने के काम आएगा। अब लोई को लेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। बेलने के बाद इसको चकोर हम कट कर लेंगे, अगर आपके पास सांचा है तो आप उससे कर लें, एक्स्ट्रा पीस निकाल देंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक और थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इसमें कट लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कर लेंगे, खोल देंगे इस तरीके से और फिर से भी दूसरे किनारे को उठा लेंगे। ये हमें 2 किनारे मिल गए इसके। अब इस पर लगाएंगे थोड़ा, अब एक लोई और लेंगे और इस लोई में हम बेल लेंगे। गोल बेलने के बाद अब इसमें बीच में लगाएंगे कट इस तरह से लंबाई में, इधर से भी थोड़ा सा छोड़ देंगे और इधर से भी थोड़ा छोड़ देंगे, पास पास इसके लगाते जाएंगे हम कट। गीली मैदा लेकर इसके किनारों पर लगाएंगे ताकि खुले नहीं और किनारों से इसको फोल्ड करना शुरू। फोल्ड होने के बाद इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और फिर इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और इस तरह से मोड़ के यहाँ पर भी लगाएंगे थोड़ी सी गीली मैदा और ऐसे इसको कवर करके पीछे को मोड़ देंगे। ये सर्कल बन जाएगा हमारा, जब ये फ्राई होगा तो ये खुलने लगेंगे इसी कली। अब फिर से एक लोई लेंगे और इसको भी गोल बेलना शुरू करेंगे। गोल बेलने के बाद इसको फोल्ड करेंगे डबल और इधर वाले किनारे से पकड़कर इसको रोल करेंगे बिल्कुल पास पास और टाइट से इस तरीके से। और यहाँ पर हम लगा देंगे थोड़ा सा गीली मैदा ताकि ये खुले नहीं और इसकी कलियों को हाथ से खोलना शुरू करेंगे। जितने अच्छे आप खोलेंगे उतना ही अच्छा आपका फ्लावर बनेगा। ये देखिए फ्लावर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब फिर से एक लोई लेंगे और इसको गोलाई में बेलेंगे।
गोलाई में बेलने के बाद इसको भी हम चकोर कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा एजेस इसके निकाल देंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से, और इस पर लगा देंगे हम गीली मैदा नीचे के पोर्शन पे, ऊपर का पोर्शन हम छोड़ देंगे और इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हाथ से। अब जो ये ऊपर के किनारे हैं इसको हम मोड़ देंगे इस तरीके से। कॉलर का हमें इसको शेप देना है, हल्का सा दबा देंगे इसको और धीरे से इसको उठा के पीछे साइड में फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें लगाएंगे काली मिर्च और हाथ से प्रेस कर देंगे। देखने में बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे कि हमने शर्ट तय करके रख दी है। ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। आप बाकी भी इसी तरह से तैयार कर लें। आप फिर से एक लोई लेंगे और इसको बिल्कुल गोल बेलेंगे हम। ठीक से गोल नहीं है तो हम इसको कटर से गोल कर लेंगे। मैं यहाँ पर ग्लास से कर रही हूँ। गोल हो जाने के बाद इसमें चार कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब मैदा को हम इसके किनारों पर लगा देंगे, एक किनारा छोड़ के दूसरे पे, फिर ये वाला किनारा छोड़ के दूसरे किनारे पर, फिर ये वाला किनारा छोड़ के इस पर, चारों कोनों पर हम मैदा लगा लेंगे। और जिस पर हमने मैदा लगाई है उसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से और दबा देंगे। फिर दूसरी साइड लेंगे, इसको दबा देंगे। इसी तरह से चारों किनारों को दबाने के बाद बीच में लगा देंगे एक काली मिर्च। इससे ये और अच्छे से दब जाएगा और खुलेगा नहीं। एक फूल हमारा ये तैयार हो जाता है इस तरीके से। हमने अपने पांचों डिजाइन तैयार कर लिए हैं। अब रिफाइंड को हम एक कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दें और इसको अब रिफाइंड को चेक करके देखेंगे। रिफाइंड हमारा अच्छे से गर्म होने लगा है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमें इसको नहीं डालना है। अब एक एक करके डालना शुरू करेंगे, पहले उल्टी साइड से फिर सीधी साइड से। गैस को बिल्कुल हल्का रखना है और हल्की आंच में ही हमें इसको फ्राई करना है। दोनों साइड से इसको पलट पलट के हम सेकेंगे और जब तक इसका कलर सुनहरा नहीं हो जाता है तब तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। इससे ये अंदर तक सिक जाएंगे। निमकी हमारी दोनों साइड से सिक चुकी हैं। अब गैस को कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे। सारी निमकी हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं और कितने सुंदर इससे कलर आए हैं। तो आप भी इसको इसी तरह से ट्राई करें और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।